आज मजा आने वाला है। सामने दलेर पाजी और इधर सामने अर्चना जी, इनके सुर जितने ऊंचे लगते हैं पाजी, इनका लाफ्टर इतना ऊंचा है ना, कई बार तो भगवान कहता ऊपर से, भाई चुप कराओ इनको। पाजी आना कौन है, माशा कौन है? आना, आना हाय आना, कितना लेट आना हुआ आपका आना। हाउ आर यू माशा? माशाल्लाह क्या बात है, ये लड़की तो कच बुझाए भी ना, मेरे को वैसे ही अच्छी लग रही है, क्या बात है। I'm sure. क्या बात है पाजी, लव यू पाजी, क्या बात है। मुझे पता ही नहीं था कि म्यूजिशियन ऐसे भी होते, नहीं तो दिनेश तू आना। माशा यू कैन टेक योर सीट्स प्लीज, थैंक यू सो मच। हालांकि थैंक यू आना, अच्छा लगता है ग्लैमर आसपास रहे ना तो अच्छा लगता है। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने बहुत साल पहले इनके शो में मतलब बहुत धक्के खाए और मार खाई इनको सुनने के लिए। तो मैं जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने आप दोनों के शो देखने के लिए बड़े धक्के खाए। मैं बहुत बार दलेर पाजी को बता चुका हूँ, एक बार अमृतसर में जब नाइट हुई ना, दलेर मेहंदी नाइट, हम लोग गए, तब मैंने मीका पाजी को पहली बार देखा था इनके पीछे गिटार बजाते हुए। फिर हंस पाजी को मैंने इनका किस्सा सुनाया कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे पड़ोसी थे तो फालतू में रिलेशन बिगड़ेंगे। उन्होंने झूठ बोल के बोला कि हमारी गली में हंसराज अंसार हैं, उनकी शादी में मेरे से और मेरे बड़े भाई से ना सारा वो फर्श धुलवा दिया कि यहाँ पे हंसराज अंसाएंगे आज। तो हम लोग सफाइयां करते रह गए, पाजी आए नहीं। पर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है दलेर पाजी, हंस पाजी आप आज हमारे शो पे हो। पाजी एक सवाल था अर्चना मैम का, इन्होंने ये कहा कि दलेर पाजी और हंस पाजी जब साथ में है तो इनसे पूछना कि जब आपके बच्चों की आपस में शादी हुई तो लोग तो कुंडलियां मिलाते हैं, आपने सुर मिलाए थे, क्या हुआ था? पाजी कमाल है, मतलब कितने साल हो गए पाजी दिल्ली की कुड़ी गुजराती को? 20 साल। क्या बात है, 20 साल पहले भी ऐसे ही दिखते हैं जैसी पाजी। पाजी क्या खाते क्या हो आप? मैं कुछ खाता ही नहीं एक्चुअली। लग रहा है पाजी, बात सवाल था एक्चुअली। हाँ। हमारे गुजरात से कहाँ कौन कौन से दर्शक हैं, हमारे यहाँ पे काफी लोग थे, तो इनका ये कहना था कि ये कुड़ी जो आपकी सच्ची में कोई गुजरात वाली थी कि वैसे इमेजिन करके गाया आपने, कोई थी आपकी लाइफ में गुजराती कुड़ी? कोई एक्चुअली एक कुड़ी थी गुजरात से जिसके लिए और मुझे याद है जब मैं उसको मिला था तो मैंने सबसे पहले आके हंस पाजी को बताया था। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि ऐसे करना है कि अब जो उससे इंस्पिरेशन मिलेगी। अच्छा। वो इंस्पिरेशन एक ही थी कि उसने बोला था कि नेशनल पे हिट होना है। अच्छा। तो पाजी ने बोला कि मैं गाइड करूंगा, तू नेशनल पे हिट होएगा। वाह क्या बात है। तो अगर आपने पाजी गुजराती लड़की से प्यार करके नेशनल लेवल पे हिट हो गए, इधर आना और माशा भी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हिट हो जाएंगे। पर मेरा सुपरस्टार भाई के लिए जोरदार तालियां। बस हम एक दूसरे की तारीफ कर करके छा रहे हैं पूरी दुनिया। जैसे दलेर पाजी ने बोला था कि एक ही शेर था, एक ही शेर है और एक ही शेर रहेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं मीका भाई। I love you भाई। मैं कह रहा हूँ कि ये जो गाने गा रहे हैं वो तो हिट आई। अच्छा, जो गाने ऑलरेडी 20-20 साल पहले हिट हो चुके उनको दोबारा गागा के हिट कर रहे हैं। भाई जी, जिन सिंगर्स के आप गाने गा के हिट कर रहे हो वो आपसे कमीशन नहीं मांगते कि भाई हमारा गाना गा के? नहीं, मैं कोशिश करता कि उनसे बेटर गाऊं, कोई कमी रह गई थी तो उसको दोबारा से मैं गाता हूं ताकि अच्छा हो जाए। अच्छा, मीका भाई के गाने कितने हिट होते हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। इन्होंने 2016 में 4 गाने गाए, 2017 में 8 गाने, 2018 में 17 गाने गाए। पाजी आपकी गाने की कैपेसिटी बढ़ रही है कि आपकी लोन की किस्तें बढ़ रही हैं? यार मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं इतने गाने गा रहा हूँ और हर शो पे पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, भगवान की बहुत कृपा है, दलेर पाजी की बहुत कृपा है कि मैं इतने पैसे कूट रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी शादियाँ होती हैं जिसमें फ्री में गाना पड़ता है यार। पाजी आई लव यू। और खास करके चलो समझ में आता है, जस्सी की शादी हो रही हो तो मैं फ्री में भी गाऊँ, चलो गरीब इंसान है। जो इंसान ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहा है यार वो भाई अपनी तरफ से ही। पाजी आ जाओ प्लीज, विराजमान हो जाइए। जस्सी तो बीच बैठेंगे यार, आज आज तू स्टार है, बस आज रात के लिए। मैंने पाजी एक बच्चे का सवाल था जी, वो कह रहे थे कि आपने दलेर पाजी आप तो जरूर सुनेगा, आप भी इसमें पार्ट ले सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 4 साल की उम्र में बंदा तबला बजा रहा है, 8 साल की उम्र में हारमोनियम बजा रहा है, 18 साल की उम्र में एल्बम भी निकाल लिया, करे शादी में इतना लेट क्यों? मैं वेट कर रहा था कि कपिल की शादी हो जाए, क्योंकि जब भी कोई बच्चा
सीधा होता ना फैमिली में, तो हमें डर रहता है पहले उसकी शादी हो जाए यार। हाँ। अब कपिल की शादी हो ही गई है तो मैं भी बाजी जल्दी कर रहा हूँ। पर जिस दिन कपिल की शादी पे गाने जाना था ना, अमिका मुझे पहले बोल रहा था जस्सी जरूर जाना यार, उत्थे जरूर जाना, क्योंकि उत्थे आपा गावांगे ना तो बड़े सारे शो मिलेंगे उत्थे। अर्चना जी, मैं दिल्ली में इनकी पार्टी में गया था, हालांकि इनकी पार्टी 20 साल में पहली बार कोई ऐसी पार्टी जिसमें ये बंदा पार्टी देता है, इतना कंजूस है। आप दिलीप पाजी से पूछ लो, हंस पाजी को पूछ लो, कभी जिंदगी में इसके कोई घर गया है? क्योंकि बुलाते नहीं। नहीं बुलाता हूं मगर आते नहीं। पहली बार पार्टी हुई, कोई नहीं गया। मैं चला गया इसकी पार्टी में, तो इसको उम्मीद, इसने मुझे बुलाया भी नहीं था, इसको था मैं कहीं फंसा हूं दुबई में, मैं कहां पहुंचूंगा। मैं प्रकट हो गया पूरा, इसको लगा यार मैं आ गया हूं। तो दूसरे दिन मेरे घर पे आ गया चाय पीने, वैसे ही कि मैं रात को गिव एंड टेक होता ना कि थोड़ा सा, और मुझे बोल रहा है कि यार कल मैं बॉम्बे जा रहा हूं। मैं क्या, आप बॉम्बे क्या करने जा रहे हो? तो मुझे थोड़ा ताना मारा था, कपिल की रिसेप्शन है। मैं क्या यार, कपिल बहुत घटिया बनता, मुझे नहीं बुलाया उसने। बोले यार उसकी शादी हो रही, मैं उसका दोस्त हूँ, पड़ोसी हूँ, मुझे नहीं बुलाया उसने। कहता हाँ यार पता नहीं तेनू बुलाया नहीं उन्हें। मैं क्या यार मुझे तो बुलाया नहीं है। अब 23 तारीख को पहले ही इतना चाय कि एक दिन पहले ही पहुँच गया वहाँ पे, इससे पहले कोई आइडिया कैंसिल हो जाए। और 24 तारीख हो गई और इसने किसी मेरे बैंड मेंबर को देख लिया घूमते फिरते, दो चार इसको हट्टे कट्टे सदा जी नजर आए, तो मुझे मैसेज कर रहा है कि तू कहाँ पे है। मैं क्या यार मैं तो दिल्ली बैठा हूँ। कहता कपिल की शादी पे, मैं क्या मैं बात नहीं करूँगा उससे। अब 8 बजे ये मुझे देखता है कि मैं लाइव वहाँ पे गा रहा हूँ। और ना, और मैं चश्मा पहन के परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे पता ही सामने खड़ा है और मैं गा रहा हूँ, कपिल भाई इंजॉय कर रहे हैं, ये मेरे सामने खड़ा है और ये मुझे बार बार करे तो मैं ये कर तो ये हमारी मतलब सोच लो कि नानी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी भाभी भी है, हमारा सब कुछ है। क्योंकि ये लड़कियों की तरह चुगली करता है हर जगह। तो बाद में बताना चाहता हूँ दोनों समधी कैसे बने, ये दोनों ने झूठ बोला। मैं बताता हूँ असली स्टोरी क्या हुई थी। एक जगह दोनों हंस पाजी और दिलीप पाजी परफॉर्म कर रहे थे, हमारे तो लेजेंड्स ही हैं। दिलीप पाजी ने रिस्पेक्ट में इनके लिए बोला कि हमारे सीनियर, जो हमारे सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं ओहदे में भी, वो आ रहे हैं हंसराज जी। तो ये स्टेज पे आ गए, इन्होंने परफॉर्म कर दिया, बात खत्म हो गई, शो बल्ले बल्ले तालियां हो गई, ये भी बड़े खुश हो गए यार, बड़ी रिस्पेक्ट मिली। अब जो चाची हमारी, चाची 12:30 बजे गई ऐसे ही, जैसे इनका स्टाइल होता है, पाजी तुस ठीक हो? पाजी तुस ठीक हो? अब ये पूछ रहे क्या हुआ क्या। कहता वो दिलीप मेहंदी आपकी बेइज्जती करके गया। ये बोलते हैं यार मैंने तो कुछ सुना नहीं। हाँ। कहता नहीं, वो बोलता था कि आप बुड्ढे हो। बुजुर्ग गए आप, बुजुर्ग हो। ये सच्ची गल है, सच्ची बात। अब ये हंस पाजी बोलते यार, लेकिन उसने बोला, कहता सीनियर का मतलब क्या होता है, सीनियर का मतलब बुड्ढा। अर्चना जी इतना भड़का दिया कि सुबह उठते ही सर ने नाश्ता नहीं किया, सीधा फोन लगाया और पाजी को नाश्ता करवाया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, यहाँ से शुरू है। अच्छा ये तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हंस पाजी की। अब हंस पाजी के मुंह से कभी सुना नहीं ऐसे कि तू ये तेरी ऐसे ये, तो ये ना नाश्ता करते पूरी फैमिली के साथ, इधर से श्लोक चलता जा रहा है और ये सुनते जा रहे बहुत ज्यादा जब हाई हो गए। पाजी कहते दिलीप पाजी 1 सेकंड होल्ड करो, मैं फैमिली के साथ हूँ। यू नो अपने लॉन्ज का बहुत बड़ा फार्म हाउस वहां पे गए। और जब इतनी लड़ाई होगी तो मुझे कहते कि यार हंसराज नु मार रहा। मैं क्या पाजी हंस पाजी नू, कहता तू जानते गल नहीं सुननी है, तू सीधा ठाटा करता। मैं क्या पाजी नहीं यार। तो मैं क्या एक गल दसो होया की राती। कहते बस तेन नहीं पता मेरे नाल। तो मैं हंस पाजी फोन किया, मैं भाजी तेरे को जस्सी आया सी। मैं कुछ नहीं बोला। इससे पहले ये दोनों मिले, प्यार हुआ, भाई साहब सीधा जलंधर, दिल्ली से निकली गए वहां से। वहां से इनका समझौता हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, उसके बाद ये समधी बने। सो ये स्टोरी थी। क्या लव स्टोरी है यार। तो ये जो है स्नैक्स जो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। हाँ। मेन कोर्स की तरह हम बढ़ते हैं। जब नुसरत फतेह अली खान साहब का देहांत हुआ तब हम लोगों ने पेपर में पढ़ा था कि हंस पाजी को अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने फेलोशिप दिया है और वहां पे जाके अंग्रेजों को
वहाँ के जो फॉरेनर्स हैं उनको आप इंडियन क्लासिकल सिखाओ। तो पाजी कितना मुश्किल होता था, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इंग्लिश आपकी भी मेरे जैसी है। तो पाजी उनको आप जब सिखाते थे इंडियन क्लासिकल तो प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? बस दो चार लाइनें रट ली थी। अच्छा जी। शुरू में क्या, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय स्पेशल ग्रेटिट्यूड मिस्टर प्रेसिडेंट। ओके। नाउ आई एम सिंगिंग राग मालकोस। तो बस सा शुरू किया, तीन साल सा ही नहीं खत्म हुआ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.